प्रति गाँव में प्रतिष्ठा हेबो मिशन शक्ति गृह खोल 500 आउटलेट और बजार दूर हेबो भुवनेश्वर बालियंतर पीवा पानी समस्या पांडरारे ब्यारेज निर्माण टेंडर को अनुमति ड्रीम्स विश्वविद्यालय प्रस्ताव को अनुमोदन एपरी 32 गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर मारी राज्य कैबिनेट आज मुख्यमंत्री अध्यक्षत में बसी कैबिनेट अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति को मंजूरी मिली बारंग अंचल टाटा करुवा प्लांट बातिल सरकार 871 एकर जमी फेर एथिपाय इडको माध्यम रे राज्य सरकार 62,83,00,000 कंपनी को फेराइबे जहां को आज कैबिनेट अनुमोदन मिली से 24 घर उच्च प्राथमिक स्कूल को मिल सरकारी अनुदान उपकृत हे 47 जन शिक्षक वर्षक खर्च हे 68,00,000 से जल संपद विभाग विभिन्न प्रस्ताव कैबिनेट मोहर मारी राज्य 1,00,000 नुआ बोरवेल खनन आसंता 5 वर्ष 1,00,000 क्लस्टर बोरवेल खनन को योजना कर एथिपाई खर्च हेब 4,198 कोटी खरीफ ऋतु में 5,00,000 हेक्टर जमी जलसेचित हेब रबी ऋतु में 2,00,000 हेक्टर जमी जलसेचित हेब 1,00,000 अधिक कृषक परिवार उपकृत हेबे बोली लक्ष्य रही अनुगुल मेगा आलुमिनियम पार्क इडको को 428 कोटी टंका अनुमोदन हो 871 एकर जमीर विकास 62 कोटी खर्च हो लक्ष्य रही आसंता 3 वर्ष निर्माण हेब 1,280 चेक डैम एथिपाई 111 कोटी टंका खर्च हेब सेपरी जलसेचन सह भूतल जलस्तर वृद्धिपी योजना मध्य हाथ को नि गंगाधर मेहर उठा जलसेचन प्रकल्प में सामिल 12 नुआ गांव को सामिल कर 12 गाँव 5,550 हेक्टर जमी जलसेचित होगा लक्ष्य थी एथिपाई खर्च हो 185 कोटी मयूरभंज संबलपुर देवगढ़ जिले में मेगा पानी जल प्रकल्प को मिली मंजूरी अंचल गोटे पावर प्लांट करिया करने 871 एकर जगह दिया जाए था से जगह को इटको को फेर आनेपाई जेहेतु पावर प्लांट हो पारे इटको को फेर आनेपाई आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करतीपाई इटको को राज्य सरकार 62,83,00,000 टंका जोगे देवे अनुगुल जिले में एक मेगा आलुमिनियम पार्क प्रतिष्ठा होती इटको को 428 कोटी टंका अनुदान देवाई आसंता 3 वर्ष अनुदान देवाई राज्य कैबिनेट अप्रूव कर क्लस्टर बोरवेल स्कीम को आसंता 5 वर्ष राज्य कैबिनेट अनुमोदन कर 5 वर्ष मध्य राज्य 1,00,000 नूतन बोरवेल खनन कर 1,280 कोटी नूतन चेक डैम करने जो प्रपोजाल दि जाइए 811 कोटी टंकार प्रपोजाल राज्य कैबिनेट आज अनुमोदन कर पांडरा गाँव पाखे जो ब्यारेज करने आह्वान कर 128 कोटी टकर L1 टेंडर जो है आज राज्य कैबिनेट अप्रूव कर